नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ आभा। बिहार में एक दर्जन से अधिक पुलों के गिरने के मामले में दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिहार सरकार, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जवाब दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई होगी। बिहार में लगातार पुलों के गिरने के मामले को लेकर बीते 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने पिछले 2 साल के भीतर 12 पुलों के गिरने का हवाला देते हुए स्ट्रक्चर ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी। छोटे बड़े सभी पुलों के गिरने की घटना की जाँच कराने की मांग की गई थी। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव डिप्टी CM के साथ साथ पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी थे। इसी दौरान बिहार में पुल गिरने का पहला मामला सामने आया था। भागलपुर में निर्माणाधीन अगुवानी पुल का एक हिस्सा गिर गया था और पुल के कुछ पाया गंगा में समा गए थे। इस घटना को लेकर खूब सियासत भी हुई थी। पुल निर्माण कंपनी SP श्रृंखला के ऊपर गंभीर आरोप भी लगे थे। तत्कालीन पथ निर्माण तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठे थे। अगुवानी पुल के बाद बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके बाद से बिहार में कई पुल गिर चुके हैं। हाल ही के दिनों में बिहार में पुलों के गिरने की घटनाएं सामने आई है।